बाबर मुगल वंश का संस्थापक और स्वयं को बादशाह घोषित करने वाला पहला शासक। और बाबर का पूरा समय था 1526 से 1530 ईस्वी का। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू होने से पहले आपको एक बात याद दिला दूँ कि जब भी आप हिस्ट्री का कोई भी वीडियो देखें तो उसे पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका हिस्ट्री का सिक्वेंस बीच में ही टूट जाएगा और उसके बाद आपको हिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है। तो बाबर का जन्म, 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनके लोग उन्हें प्यार से बाबर बुलाते थे और बाबर इतिहास में भी इसी नाम से विख्यात हैं। बाबर की माता कुतलुक निगार खां थी और पिता थे उमर शेख मिर्जा। माता जो थी चंगेज खां के खानदान से थी और पिता तैमूर वंश के थे। ये जो बाबर है चंगेज खां की चौदहवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते थे और तैमूर वंश है वह छठी पीढ़ी में आते थे। धर्म के साथ ही बाबर में मंगोल जाति की भयानकता और तुर्क जाति का साहस था। अब जैसा कि जो बाबर था उसके पैतृक तैमूर थे, तो तैमूर ने क्या था अपने समय में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और उस बड़े साम्राज्य की राजधानी कौन थी, ये समरकंद थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। तो क्या होता है 1507 में तैमूर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद क्या होता है उसका इतना बड़ा साम्राज्य बिखर जाता है। तो जो दूसरे देश के लोग होते हैं उस पर अपनी निगाहें गड़ाने लगते हैं, तो उसका जो बड़ा साम्राज्य है उसके बेटे और जो पराये लोग हैं आपस में बांट लेते हैं। तो उसके बाद उसके साम्राज्य में से किसको क्या क्या मिलता है यह सब उसी के बारे में है। तो देख लेते हैं, जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा उसको मिलता है फरगना। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के अंतर्गत आता है समरकंद और बुखारा। सुल्तान महमूद मिर्जा के मिलता है हिंदूकुश और अफसेरा। और उलुग बेग मिर्जा को मिलता है काबुल और गर्दिन। इस करके तैमूर का जो बड़ा साम्राज्य था ये चार लोग आपस में बांट लेता है। इन सब का बाबर के जीवन से भी संबंध है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबके नाम के पीछे मिर्जा लग रखा है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम ये तो बाबर तो बादशाह था तो यहाँ मिर्जा क्यों लगाया है। तो बच्चों, जो पहले ये तैमूर वंशी थे अपने नाम के पीछे मिर्जा ही लगाते थे या कह लीजिए मिर्जा की उपाधि ही धारण करते थे। और ये तो बाबर ही था जिसने काबुल पर जब विजय प्राप्त की थी उसके बाद मिर्जा की उपाधि धारण ना करके अपने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इस करके इसका पहली बार बादशाह की उपाधि धारण करने का टैग इसी को ही जाता है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की अचानक से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फरगना का राज्य खाली हो जाता है। तो उसी अब जैसे ही राज्य खाली होता है तो और दूसरे लोग हैं उस पर अपनी निगाहें गड़ाने लगते हैं। और जैसे उस टाइम में मंगोल थे, चगताई थे, ईरानी थे, तो वो सारे उसके राज्य पर नज़र डालने लगे। तो क्या करते हैं फरगना के लोग उस टाइम जल्दी से बाबर का राज्याभिषेक कर देते हैं। और उस टाइम बाबर की आयु होती है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की अल्पायु में ही बाबर के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसके बाद से ही बाबर का संघर्षपूर्ण जीवन शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो बाबर भी बड़ा होता जाता है। तो बाबर क्या करता है 1507 ईस्वी में काबुल पर अपनी विजय फतेह कर लेता है और काबुल पर विजय के पश्चात वह अपने बादशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद वह समरकंद पर 1501 ईस्वी में और उज़्बेक शेरवानी खां से समरकंद को भी प्राप्त कर लेता है। समरकंद से बाबर का शुरू से ही बहुत जुड़ाव होता है क्योंकि वह सोचता है कि यह तो मेरे पैतृक की राजधानी थी तो ये मेरा ही तो है, क्यों ना मुझे यह सब मेरा है तो क्यों ना मैं ही इसको प्राप्त करूं। तो वो क्या करता है जैसे ही इन सब के लायक होता है तो एक एक करके वह कभी समरकंद को जीतने के लिए प्रयास करता है, कभी बुखारा को, कभी काबुल को, कभी गजनी को। तो वो 15 से 20 साल तक इन्हीं सब को प्राप्त करने में लगा रहता है कभी, और इसके चक्कर में उसके गृह युद्ध हमेशा ही होते रहते हैं। लेकिन उसके जीवन में
समरकंद को या इनमें से किसी भी प्रदेश पर राज्य करने नहीं लिखा था। उसका भाग्य उसको कहीं और ही ले जाना चाहता था। उसने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इन सब में से वह थोड़े थोड़े दिन ही जीत हासिल करके कभी अपना साम्राज्य खो देता, तो कभी इन पे किसी पे अपनी जीत हासिल कर लेता, कभी कभी अपने फरगना को प्राप्त करता तो काबुल को खो बैठता। तो ऐसे करके उसका जीवन चलता है। जब फिर उसके बाद क्या होता है, उसका मन बहुत थक जाता है, वह बहुत परेशान हो जाता है कि भाई अब तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो क्यों ना हिंदुस्तान की ओर रुक किया जाए। और हिंदुस्तान की ओर रुक करने का जो उसका निर्णय था वो कोई अचानक से नहीं था। हिंदुस्तान को लेकर उसके मन में जो पहले से कुछ विचार थे, उसके बीज थे, पहले से बोए हुए थे, क्योंकि जो उसके पैतृक थे तैमूरलंग, उनके आक्रमण की कहानी भी उसने सुन रखी थी कि तैमूरलंग ने कैसे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और कितना सारा धन लेकर वह वापस अपने देश गए थे। उसके बाद 111 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी, उनके मुँह से भी हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी बातें उसने सुनी, तो उसके जो मन में एक छुपी हुई इच्छा थी वह और जोर देने लगी। तो अब उसने जब अपने अपने एरिया में उसको सक्सेस नहीं मिली, तो उसने हिंदुस्तान जाने का सोच लिया। जब बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध होता है, उससे पहले भी बाबर 5 बारी हिंदुस्तान पर अभियान कर चुका होता है, लेकिन उसको इन सब में कोई सफलता नहीं मिलती। और उसके बाद क्या करता है, वह फिर से अपने फरगना की ओर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो उसने भारत पर पानीपत के पहले युद्ध से पहले अभियान किए थे, ये सारी उनकी डेट्स हैं। अगर आपको इन सारे अभियानों के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके लिखें और मैं इनके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो और बना कर दूँगी। बाबर जब हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है तो वह भारत की प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशा का वर्णन अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में करता है। वह बताता है कि भारत की प्राकृतिक दशा उस समय बहुत अच्छी थी। भारत में 4 ऋतुएँ पड़ती थी और हर एक ऋतु का अपना अलग महत्व था। आर्थिक दशा के बारे में बाबर कहता है कि उस समय भारत की आर्थिक दशा अच्छी थी। भारत धन धान्य व संपदा से परिपूर्ण था, लोगों में ईमानदारी और प्रेम था और उस समय महंगाई बिल्कुल नहीं थी, लोगों का बहुत ही कम पैसों में गुजारा हो जाता था। राजनीतिक दशा के बारे में बाबर बताता है कि उस समय भारत पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन करते थे। यहाँ 2 काफिर बादशाह है, 2 हिंदू शासकों को कह रहा है, जो 2 काफिर बादशाह थे वे थे, एक तो था मेवाड़ का राणा सागा, दूसरा था बीजापुर यानी विजयनगर के कृष्णदेव राय, और जो 5 मुस्लिम शासक थे वह थे दिल्ली राजधानी के अफगान सुल्तान, गुजरात के मुजफ्फर और दक्षिण राज्य के भैवनी, मालवा के सुल्तान महमूद और बंगाल का नुसरत शाह। इसके बाद बात करेंगे हम बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में। बाबर ने पानीपत के पश्चात एक निर्णायक जीत हासिल की थी। तो इस प्रकार से बाबर का पानीपत का पहला युद्ध था जो कि 1526 में लड़ा गया। उसके बाद उसने खानवा का, उसने चंदेरी की लड़ाई और लास्ट उसने घाघरा की लड़ाई की थी। तो पानीपत के बाद उसके कंटिन्यूस 4 ईयर युद्ध किया था और इन सभी युद्धों में जीतकर उसने उत्तरी भारत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने पैर भी भारत में सदा के लिए जमा लिए थे। और स्टूडेंट्स, ये जो 4 युद्ध हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनकी डेट्स याद रखनी है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था और किस प्रकार से ये युद्ध लड़े गए थे, इन युद्ध में बाबर ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये युद्ध आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके पॉइंट्स भी हैं जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए पहले युद्ध के साथ शुरू करते हैं, पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में किन 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। और ये निर्णायक क्यों था, निर्णायक इसलिए हो गया था क्योंकि इसी युद्ध की जीत ने बाबर के लिए भारत के प्रवेश द्वार खोल दिए थे और बाबर ने भारत में रहने का निश्चय भी कर लिया था। इससे पहले जितने भी मुगल शासक आए थे वो सिर्फ भारत को लूटने की इच्छा रखते हुए आए थे और लूट करके वापस चले जाते थे, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया था। और इस युद्ध में कुछ नई चीज़ें भी बाबर ने युद्ध के टाइम में इस्तेमाल की थी, इसलिए इसको निर्णायक युद्ध भी या निर्णायक युद्ध के तौर पर भी
याद किया जाता है। जैसे कि इस युद्ध में पहली बार तोपों का यूज़ हुआ था, एक तुलगुमा शैली जो बाबर ने यूज़ की थी उस शैली का यूज हुआ था। और इस युद्ध से रिलेटेड फुल वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही डाल दिया है। अगर आप नए हो, आपने नहीं देखी है, तो आप चैनल से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं तो आपने वो पहले ही देख ली होगी। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, पानीपत का रिवाइज कर लेते हैं कि युद्ध में क्या हुआ था। तो जैसा कि पानीपत के युद्ध की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और जैसा कि पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को इनविटेशन मिल ही चुका था पंजाब के सूबेदार और इब्राहिम लोधी की चाचा की तरफ से, तो उसके बाद भाई बाबर जी भारत आते हैं और इब्राहिम लोधी को चुनौती देते हैं। इसके बाद अफगान सरदार भी देखता है कि भाई मेरे देश में ये दूसरा आ रहा है और उसे जीतने आ रहा है, मेरी गद्दी को हथियाना आ रहा है, तो वो भी अपनी कमर कस लेता और दोनों की सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस युद्ध में होता क्या है कि इब्राहिम लोधी अपने उन्हीं पुराने तरीकों पर कायम रहता है, वही युद्ध में हाथियों का यूज़ करना और जो सैनिक हैं वो उन सैनिकों की कोई ज़्यादा जोरदार तैयारी ना करवाना और अपना पुराने शस्त्रों का यूज़ करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो कि इब्राहिम दूरदर्शिता दिखाई थी, अपना सेना का सही तय किया था और उसमें जो था एक दृढ़ विश्वास की, और वह आलसी था। ये सारे कारण भी थे कि जिससे उसे इस युद्ध में हार का मुख देखना पड़ा। इसके दूसरी ओर ही बाबर ने क्या किया था, एक अच्छी सुव्यवस्थित नीति अपनाई थी इस युद्ध को जीतने के लिए। उसने अपनी सेना का बहुत ही अच्छे ढंग से नेतृत्व किया था और साथ ही साथ इस युद्ध में उसके जो तोपखाने के उस्ताद थे, उस्ताद मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, उन्होंने अपने तोपखाने का मोर्चा बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। दूसरी तरफ हुमायूं उसका बेटा था जो उसका साथ दे रहा था युद्ध में, और इस बाबर को एक अच्छी और थोड़े ही समय में एक निर्णायक जीत उसने अपने नाम कर ली थी। और इस युद्ध में जीतने के साथ ही उसने कलंदर की उपाधि भी अपने नाम कर ली थी। युद्ध में जीत की प्राप्ति के साथ ही वह अपने बेटे हुमायूं को आदेश देता है कि तुम आगरा जाओ और आगरे को अपने कब्जे में ले लो और वहाँ की सारी धन संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लो। उसके बाद बाबर दिल्ली की ओर रुख करता है और अपने नाम का खुतबा पढ़ता है। तो यहाँ तक तो थी हमारी पानीपत की लड़ाई, पहली शानदार जीत के साथ कंप्लीट होती है। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के साथ। यह युद्ध पानीपत के युद्ध से भी इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि पानीपत के जो युद्ध जीतना इब्राहिम लोधी से जो इसकी जीत थी वो उसमें बेशर्त ही वह बहुत आसानी से जीत लिया था, क्योंकि इब्राहिम लोधी एक अच्छा शासक नहीं था, वह आलसी परस्त था, उसकी जो सुव्यवस्थित सेना नहीं थी, उसमें दूरदर्शी भी नहीं था, तो इस करके उसका हारना तो निश्चित था। यहाँ उसकी टक्कर होने वाली थी राणा सांगा से, जो कि पूरी तरीके से उसके साथ टक्कर देने के काबिल था। और यह चीज़ बाबर को भी पता थी, उसे भी पता थी कि उसका असली जो मुकाबला है वह राणा सांगा के साथ होना है। अब जो ये खानवा का युद्ध है, इस युद्ध की जीत के साथ ही इन दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ था, क्योंकि एक तरफ बाबर के मन में पहले से ही था अगर मैं राणा सांगा से हार गया तो भारत से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ राणा सांगा जो कि अपने राजपूत शासकों के लिए एक नायक की भूमिका निभाते थे, राणा सांगा के भी अपनी जीत के किस्से थे, वह भी अपने हर जंग में जरूर जीतते थे। तो इनके जो इनका भी सपना था कि इब्राहिम लोधी तो हार ही चुका है और बाबर को भी हरा के भगा दें, इसके बाद हम हिंदुस्तान में अपने एक हिंदू राज्य का संगठन करें, हिंदू राज्य को बसाएँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे राजपूतों की उम्मीद, खुद राणा सांगा की उम्मीद इस युद्ध पर निर्भर करती थी। अब क्या हुआ, दोनों सामने युद्ध होना तो निश्चित ही था, क्योंकि अगर बिना युद्ध के तो कोई भी निर्णय नहीं आने वाला था। तो 1527 को खानवा के स्थान पर दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है और इसमें भी बाबर की विजय होती है। लेकिन युद्ध की परिस्थितियों को भी अभी हम जान लेते हैं। इस युद्ध में बाबर की व्यूहरचना वैसी ही थी जैसे कि उसने पानीपत के मैदान में की थी। इसमें भी खाइयां खोदी गईं, तोड़दार बंदूकें, तोपों का यूज़ किया गया,
गाड़ियों को पंक्ति में ढक दिया गया। नियमित दूरियों पर अपने घोड़े घुड़सवार के साथ तैयार कर दिए गए। दूसरी ओर राणा सांगा भी अपने सारे राजपूत शासकों के साथ मैदान में फुल तैयारी के साथ अपने कम से कम 2 लाख की सेना के साथ मैदान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो युद्ध सबसे पहले राजपूतों द्वारा ही शुरू किया जाता है, राजपूतों द्वारा ही पहली बार आक्रमण किया जाता है, लेकिन इसमें भी भाग्य जो होता है बाबर का साथ देता है। और ये कोई अचानक से घटना नहीं थी, इसमें भी बाबर को इसलिए युद्ध में जीत मिली, इसमें ऐसा इतिहास में या बुक्स में बताया गया है कि जो राणा सांगा के सेना में सिलादी या सिलहदी नाम का जो उसका सेनापति था वह बाबर से आकर मिल गया था। उसने बाबर को जाके जो युद्ध क्षेत्र था उसकी पूरी जानकारी बाबर को दे दी थी और बाबर ने क्या किया था उस जानकारी का फुल पूरी तरीके से यूज़ किया और अपनी विजय प्राप्त की। इस प्रकार से एक अच्छी सफलता प्राप्त करते करते राजपूत बेचारे लास्ट में आकर हार जाते हैं और युद्ध सिर्फ 4 घंटों में ही ख़त्म हो जाता है। यह युद्ध इतना भयानक तौर पर होता है कि इस युद्ध में जो बाबर है, जो मरे हुए सैनिक हैं, उन लोगों की खोपड़ियों की मीनार बना देता है और युद्ध जीतने के पश्चात स्वयं गाजी की उपाधि प्राप्त करता है। तो इतिहास में और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने प्राप्त की थी, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है। तो दोनों ही तरीके से युद्ध का नाम आए तो खानवा है और अगर शासक पूछा जाए तो बाबर है। पानीपत और खानवा में युद्ध के पश्चात अब बाबर चंदेरी की तरफ बढ़ता है। और जो चंदेरी है ये 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी राव के बीच युद्ध लड़ा जाता है। और जो ये मेदनी राव है ये राणा सांगा का मित्र होता है और यह भी राजपूत होता है। और जो ये शासन करता है ये चंदेरी किले पर शासन करता है। इस प्रकार से इस युद्ध का नाम चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की लड़ाई रखा गया है। अब जब बाबर इसके किले की तरफ बढ़ रहा होता है तो वह मेदनी राव को संदेश भिजवाता है, या तो आप हमारी शरण में आ जाओ वरना हमसे युद्ध करो। लेकिन मेदनी राव उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और फिर दोनों में युद्ध की जो स्थिति है वह तो उत्पन्न होनी निश्चित ही थी। अब क्या करता है बाबर, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसके किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए और तोपों से उसकी दीवारों को तोड़ दिया जाए। इस पर जो मेदनी राव है अपने राजपूत सैनिकों के साथ अपने को अंदर से किले के अंदर बंद कर लेते हैं, लेकिन जो बाबर की तोपें हैं चंदेरी किले की दीवारों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। इसमें जैसा कि बाबर को पहले से फ़ायदा हो रहा था, चुगलखोरों की कमी उस समय भी हिंदुस्तान में नहीं थी, तो उनको कहीं से यह खबर प्राप्त हो जाती है कि जो चंदेरी किला है उसके नीचे कोई सुरंग है और वह एक नाजुक रास्ता है वहाँ पर पहुँचने का, ईजी रास्ता है वहाँ पर पहुँचने का। तो बस बाबर को वह मौका मिल जाता है, बाबर और उसके सैनिक उस सुरंग के थ्रू चंदेरी के किले में प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद बाबर और मेदनी राव और सारे राजपूतों के साथ युद्ध होता है, जिसमें कि बेचारे राजपूत पूरी बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन अंत में वह मारे जाते हैं। कुछ राजपूत तो बाबर मुगल सैनिकों के हाथों मारे जाते हैं और कुछ अंत में जब सफलता हाथ या जीत ना मिलते हुए अपने आप ही आत्महत्या करके मर जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को भी स्वयं अपने हाथों से मार देते हैं। तो इस प्रकार से बाबर को चंदेरी की लड़ाई पर भी विजय हासिल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा घाघरा का युद्ध। यह 1529 ईस्वी में लड़ा गया था और ये बाबर द्वारा लड़ा गया लास्ट यानी अंतिम युद्ध है। इस युद्ध का भी अपना अलग महत्व है। यह मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों स्थान पर लड़ा गया था। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको और कहीं किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो बाबर और बंगाल का शासक नूरसर शाह और महमूद लोधी ये दोनों साथ में होते हैं और इन दोनों का युद्ध होता है बाबर के साथ। तो चलिए इसके युद्ध की स्थितियाँ भी जान लेते हैं।
तो जो ये महमूद लोदी है, ये लोदी सल्तनत का ये लास्ट उत्तराधिकारी बच जाता है। तो ये क्या होता है, जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो दिल्ली छोड़कर बंगाल की तरफ नुसरत शाह की शरण में चला जाता है। तो नुसरत शाह जो बंगाल का शासक है उस समय इसको शरण देता है। अब जब बाबर को पता चलता है कि भाई इसने महमूद लोदी को शरण दे दी है तो युद्ध होना तो निश्चित ही था, तो फिर तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होनी थी। लेकिन बाबर यह भी अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में कहता है कि उसके बंगाल के साथ शांतिपूर्वक संबंध थे, लेकिन उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि उसे बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ युद्ध करना ही पड़ा। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। बाबर की मौत को लेकर एक कहानी है जो कि हमें तुझ के बाबरी और दूसरी बुक्स में भी पढ़ने को मिलती है। होता क्या है कि गर्मियों के दिन होते हैं, हुमायूं को बहुत तेज बुखार आता है और वह बहुत बीमार हो जाता है। हुमायूं जो है बाबर का सबसे प्रिय पुत्र होता है, वह उसे हर नीम हकीम मौलवी सब पे दिखाता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा होता है। इसके बाद उनको एक मौलवी मिलते हैं, पीर मिलते हैं, जो उनको सलाह देते हैं कि यदि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु न्योछावर कर देते हो तो आपको आपके जो आपका बीमार व्यक्ति है वह ठीक हो जाता है। इस पर बाबर कहता है मुझे तो मेरा पुत्र ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो मैं अपने आप को उसके ऊपर न्योछावर करता हूँ। खुदा उनकी यह दुआ कबूल कर लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हुमायूं की तबीयत में तो आराम होने लगता है, लेकिन बाबर की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और अंततः 1530 में जाकर बाबर जो है दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उसके बाद बाबर को आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी दिली इच्छा होती है कि उन्हें उनके प्रदेश काबुल में दफनाया जाए और उनका मकबरा फिर वहीं बनाया जाता है। निर्माण कार्य में देखें तो उन्होंने रामबाग आगरा में रामबाग का निर्माण करवाया था। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे बाबर थे वह नेचर के बहुत करीब थे, वो नेचर को बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने रामबाग का निर्माण इतने अच्छे तरीके से करवाया था कि इतिहासकार बुक्स में उनके इस वास्तुकला को ऐसे बोलते हैं जैसे कि अंगूठी में नगीना। उन्होंने इस रामबाग में चारों तरफ नहर निकाल दी थी और बीच में अपना भवन बनवाया था और साथ में पेड़ पौधे, फूलों की क्यारियाँ और पानी के फव्वारे, तो इतनी उत्कृष्ट कलाकृति उन्होंने तैयार करवाई थी जिसको लेके उन्हें इतिहास में उनकी कलाकृति को बोला गया कि जैसे कि अंगूठी में नगीना। तो अब बात ये हो गई, आगे बात कर लेते हैं इनके बच्चों के बारे में। तो इनके 5 बच्चे थे, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री। तो सबसे बड़ा हुमायूं था, फिर कामरान, अस्करी, हिंदाल और बेटी थी इनकी गुलबदन बेगम। तो बच्चों ये था पूरा फुल डिटेल्ड बाबर से रिलेटेड वीडियो। मैंने आपको मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ पूरा बाबर से रिलेटेड पूरा वीडियो बना के दिया है और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी और चैनल पे इतना डिटेल्ड वीडियो बाबर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और यह वीडियो आपको ओवरऑल हर तरीके से, चाहे आप स्कूल लेवल के हैं, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो, आपको जिस भी लेवल के हो, जैसी भी तैयारी कर रहे हो, हर एक कोर्स में काम आने वाला है। तो चलिए